देखना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड के सफर में आज हम पहुंचे हैं अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से जो इंसान विधायक है वो किसी पार्टी किसी परिचय का मोहताज नहीं। सन 1993 में अपने करियर की शुरुआत करी थी जिन्होंने जनता पार्टी, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने पार्टी बनाई थी, और इकलौता विधायक चुनकर आया था उनकी पार्टी से, वो थे महबूब अली साहब। अगर हम इनके इतिहास में जाएंगे तो इतनी बातें हैं जो शायद हमारे पास समय की कमी है वो पूरी हो भी नहीं पाए, लेकिन आज क्योंकि हमारा प्रोग्राम है विधायक का रिपोर्ट कार्ड तो हम आज की बात करते हैं। आज महबूब अली साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक हैं, और खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महबूब अली साहब। महबूब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ में। सबसे पहले आपकी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इन 4 सालों को? हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों से इतने बड़े पैमाने पर आज तक किसी सरकार ने विकास नहीं किया जितना माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ने, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोड्स के क्षेत्र में हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है। और मुझे कह देने में कोई संकोच नहीं कि आज तक इतिहास में काम किया भी नहीं है, उनके नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास के साथ साथ प्रगति के रास्ते पर है और आगे बढ़ रहा है। तो आपका कहना यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं आप उनके काम से पूरी तरीके से इत्तफाक रखते हैं, जो वो दावे हैं उनके? पूरी तरह से हम इत्तफाक नहीं, आम आवाम भी इत्तफाक उससे रखता है, आम आवाम भी ये महसूस करता है कि प्रदेश का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए, इससे पहले उपचुनाव हुए हैं और उनके नतीज सामने हैं। लोग कह देते हैं कि हाँ उपचुनाव सरकारी चुनाव होता है, उपचुनाव सरकार जीतती है, लेकिन सरकारें हारी भी हैं, हम भी हारे हैं बहुत सी सीटों पर। लेकिन आज जो ये 2 उपचुनाव हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर दो ही चीज़ें हैं, एक तो फ़िरकाप्रस्त हैं और दूसरे अमन प्रस्त हैं, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा अमन परस्ती के साथ साथ समाज के जो बहुत अंधेरे में बैठा व्यक्ति है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, कर नहीं पाता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या ऐसी, ये सारी पेंशन तो दूसरी सरकारों ने भी दिया है, लेकिन जो खास चीज है पढ़ो बेटी है, बड़ो बेटी, हमारी बेटी उसका कल, कन्या विद्यादान, ये ऐसी योजनाएँ हैं जो गरीब, हमने इसलिए नहीं चलाई कि बच्चियां पढ़ लें, उनका निकाह हो जाए, उनके फेरे फिर जाएं, ये इसलिए चलाई हमने योजना, बच्ची भी अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी बने। वह अभिभावक जो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी बेटे की तरह पढ़े, उस बेटी को सरकार ने दायित्व लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में देखा और पूरे प्रदेश के ऐसे अभिभावकों को पूरी तरह से अपने आप में ये कहा कि आप कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी बेटियाँ नहीं, उन बेटियों की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है, उन बेटियों को पढ़ाने का काम किया नौजवानों की तरह, इस तरह नौजवान देश की किसी बड़ी कुर्सी पर पढ़ लिख कर पहुँच सकता है। आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर हमारी बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे जा रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। लेकिन जो आपके विरोधी हैं उनका कहना यह है जितने भी ये काम उन्होंने किए हैं ये हवाई ज़्यादा है, विज्ञापन के लिए ज़्यादा कार्य किए गए हैं और ज़मीनी स्तर पर तकलीफ तो यही है कि ज़मीन पर है वो काम। आज तक इतने बड़े पैमाने, इतनी बड़ी रोड हमारी, अभी आगरा से लेकर रोड बन रही लखनऊ तक, फिर लखनऊ से लेकर बन रही बलिया तक, अपने संसाधनों से किसी एक प्रदेश की सरकार ने आज तक इतनी बड़ी रोड और ऐसी खूबसूरत रोड, जो विदेशों में शायद इस तरह की रोडें भी बहुत कम देखने को मिलेंगी, जैसी वो रोड पर आप किस दिन जाइए, आईटी सिटी आप देखिए, वहाँ हॉस्पिटल्स की हालत देखिएगा, हमने जो काम किया है वो ज़मीन पर दिखता है। दूसरे लोगों को तकलीफ तो इसी चीज़ की है, वो करना नहीं चाहते, कुछ सांप्रदायिक उन्माद फैला कर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, कुछ जातिवाद का नारा देकर किसी एक समाज को गुमराह कर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। हम समाज के गरीब के बारे में सोचते हैं, काम कर रहे हैं,
उसका रिजल्ट उपचुनाव में जो आते हैं वो सामने है। लेकिन जो आपके विरोधी पार्टी वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो पूरे प्रदेश की सरकार ना होकर के वो दो चार जिलों की सरकार है। सारी जितनी नई नई योजनाएं होती हैं, स्टेडियम बनते हैं, कोई भी ज़्यादा कार्य होता है वो उन दो चार जिलों के अंदर होता है। मैं तो शायद ऐसे लोगों को कहूँ, मैं दावत देता हूँ अमरोहा जाएं। और जो शायद आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो उससे अपने आप उसका पेट भर जाएगा। वो जो दो चार जनपद की आप बात कर रहे हैं वो जनपद उनमें अमरोहा नहीं होगा जिन जनपदों में आप सोच रहे हैं। जब उनमें अमरोहा नहीं है तो विकास अमरोहा में आके देख लें अपने आप। अमरोहा मैं तो कहता हूँ कि पिछली सरकारों में इस तरह से टूटे फूटे रास्ते थे कि जिनके बारे में मतलब कहते भी तकलीफ होती है सोचते हुए भी। आज आप निकलिए इन रोडों पर, मैं कहता हूँ पानी जरा सा भी पड़ता था यहाँ जलमग्न हो जाया करता था पूरा शहर। आज देखिएगा यहाँ पानी की निकासी के लिए आप चारों तरफ आप जाइए, जो नदियों में गिरने का काम हम कर रहे हैं अमरोहा में, हमने कोशिश की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल्स को और बड़ा हॉस्पिटल्स हम 100 बेड का महिला का हॉस्पिटल बना रहे हैं और मैं 30 बेड का और हॉस्पिटल यहाँ बना रहे हैं सिटी में भी और देहातों में भी। बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं, हमारे पावर्स हाउस हैं जो कहीं सब स्टेशन इस तरह से है कि दूर बिजली जाने के आधार पर कहीं सही पूरी बिजली नहीं पहुंच पाती, हम सब स्टेशन विद्युत के बना रहे हैं। यहाँ लोकल में आप कम से कम आप देखेंगे, आप गांवों में यहाँ निकले तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है। प्रदेश के हर कोने में हर जनपद में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, कोई काम ऐसा नहीं होगा मेरे क्षेत्र के अंदर जो हर हालात में उस संपर्क मार्ग उसका बहुत बढ़िया ना बना हुआ है, डामर या सीसी से ना जोड़ा गया हो। विद्युत की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, इस पर बहुत काम किया गया है जब से समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है। क्योंकि हम दिखावे पर विश्वास नहीं करते, हम जमीन पर काम करने पर विश्वास करते हैं। आप माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी रहे थे, लेकिन कोई ऐसा मॉडल स्कूल यहाँ अमरोहा में आपने ऐसा कोई बनवाया कोई ऐसा? ये बात अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक सैनिक स्कूल था जिसमें मेरी अपने गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीन और एक मैनपुरी में, एक झांसी में और एक अमेठी में रायबरेली में, ये तीन सैनिक स्कूल हमने और बनाए। उसमें अमरोहा भी अब प्रस्तावित है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव चला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि अनुमोदन वहाँ से होके आता है। वो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट से कह दीजिए अमरोहा उसमें लिखा है, उससे थोड़ा सा संतुति कर दें उस पर, जिसमें सैनिक स्कूल अमरोहा भी बन जाए। किसी भी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ें आती हैं सड़क, पानी, बिजली, जिस पर मंत्री जी का कहना है उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराया है। हमारे साथ यहाँ जनता मौजूद है, जनता से जानते हैं कि आखिर हमारे अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी ने सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था के लिए किस तरीके के कार्य कराए हैं। अमरोहा में बहुत मूलभूत सुविधाएं जो है बहुत हैं और जो है बहुत गंदी हालत थी अमरोहा की अब से पहले, और समाजवादी की सरकार ने बहुत काम कराए हैं, बहुत तरक्की की है। अमरोहा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी जल निकासी की थी जो कि अब समस्या का समाधान किया जा चुका है। और इसके अलावा बिजली की समस्या, बहुत पहले बिजली के हालात ये थे कि 8 घंटे 10 घंटे, अब 22 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है। कोई सुधार नहीं, देख लीजिए गड्ढे पड़े हैं, सब में टूटी पड़ी है सड़कें, नाली खड़ंजे सब पट पड़े हैं बिल्कुल, कोई चीज। जो लोगों के ज्यादा से ज्यादा बिल आए हुए थे इन्होंने और इनके बेटे श्री परवेज अली जी ने खुद धूप में बैठ गए और यहाँ के अमरोहा की जनता के लिए बिलों का जो है संशोधन कराया। इन्होंने मुर्दों तक को सुरक्षित कर रखा है, कब्रिस्तान की हर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनी हुई है, उसमें गेट लगवाए, यानी मुर्दे भी सुरक्षित हैं। जितनी अमरोहा विधानसभा में विकास किया है उतना विकास शायद यहाँ अमरोहा में किसी ने नहीं किया है। यहाँ पानी की जो निकासी कमी थी वो पानी की निकासी पूरी करके इन्होंने ये दिखा दिया कि क्षेत्र की जनता से कितना प्यार करते हैं। पानी नहीं मिल पाता पब्लिक को, बिल लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, रोड नहीं साफ हो पा रही है। सब में बड़ा वायदा किया था पानी की नहीं, हमारी बहुत बहुत बड़ा निकासी निजात दिलवाई अमरोहा के लोगों को जो गंदा के पानी से मतलब परेशान थे, उनसे बहुत बड़ा निजात दिलवाई, स्टेडियम बनवाया,
और मतलब जो है कन्या धन और विद्या धन सब लोग मतलब यहाँ जितनी भी पैसे दिला सकते थे दिलवाए, चेक दिलवाए। मतलब हमारे बत्ती कमावे है और उधर नाली गुजे सब बेकार पड़े हैं, बहुत ही गंदगी हो रही है। अगर विकास देखना तो माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में अमरोहा विधानसभा में देख लें, कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं है, कोई विद्यालय ऐसा नहीं है, तमाम विद्यालय बनवा दिए, नए नए अस्पताल बनवा दिए। इसकी पहचान ऐसी है कि जब अमरोहा विधानसभा सड़क शुरू होती है तो उसकी सड़कें अलग से ही दिखती हैं। ये लगभग देख रही हूँ मैं, अप्रैल से देख रही हूँ। अच्छा, रोज यही परेशानी है कि पानी भर जाता है, कोई सड़क की सुनवाई नहीं कर रहा है इसकी, इसी तरह की रोज परेशानी है, रोज जैसे निकलते हैं सड़क पर। एक जो मंत्री जी यहाँ बात निकल के आई थी, धुनकरों को आपने जिस तरीके से बुनकरों को सब्सिडी मिलती है, आपका पूरा प्रदेश में इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर आपने सब्सिडी दिलवाने का काम किया, किस तरीके से आपने ये कार्य किया? देखिए, मैंने राजनीतिक जीवन में कभी चुनाव के वक्त कोई वादे नहीं किए। हमारे यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है, छोटे मोटे कॉटन वेस्ट के कारखाने हैं और वो कहीं ना कहीं गरीब लोग अपना मेहनत कर उसे खड़ा करते हैं। लेकिन पिछले वक्तों में बिजली की बदौलत और मार्केट की बदौलत उनकी बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे, वो ख़त्म होने के कगार पर थे, कर्जदार हो गए थे लोग। इस चीज़ का पिछले चुनाव में हमने वादा किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि धुनकरों की को बुनकरों की भांति बिजली में सब्सिडी दी जाए, और वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस अनुरोध को स्वीकारते हुए ऐलान नहीं कर दिया, वो सारे अकाउंट्स में पहुंच रही है, विद्युत की जो सब्सिडी है उनके अकाउंट्स में पहुंच रही है। उनके सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं किस तरीके से काम यहाँ हो रहा है। मंत्री जी के सहयोग से जो कारोबार बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वर्ष 15-16 में 2 करोड़ रुपये सारे बुनकरों को मिले हैं, धुनकरों को, और अभी अभी मेरे पास न्यूज़ आई है कि 16-17 के लिए भी 2 करोड़ रुपये हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। आपके सहयोग से अमरोहा में अब तक धुनकरों को 4 करोड़ रुपये आ चुके हैं, और जो फ्लैट रेट की बिजली का है जिसमें हमें पावर लूम की भांति बिजली का किराया फिक्स हो जाएगा, उस पर भी प्रक्रिया चल रही है, और धुनकरों की काफ़ी योजनाओं पर मंत्री जी के सहयोग से काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो मंजूर होने वाला है। यहाँ मंत्री जी, जब हमने बात करी जनता से तो एक बात निकल के सामने आई कि कहीं ना कहीं अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, सीवर लाइन की बड़ी समस्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये समस्या थी लेकिन अब उसका निराकरण हो गया है। आप जब यहाँ ये क्वेश्चन आपने किया है तो उसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर आप इधर बांध नदी की तरफ जाएंगे या सोत नदी की तरफ जाएंगे तो बड़े बड़े नाले बन रहे हैं और उसका 38 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया है पानी की निकासी अमरोहा की, पूर्णतया बरसात में पानी रहित अमरोहा हो जाएगा। तो आपकी सरकार खत्म होने से पहले जो सरकार खत्म होने से पहले नहीं, ये कोशिश ये रहेगी तो कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरा काम हो जाएगा। आपने अपने क्षेत्र में उद्योगों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? मैंने जैसे कहा कि अपने हमारे यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं, सिर्फ यही कॉटन वेस्ट के कारखाने हैं, और इनके लिए जो भी सरकार के स्तर से सब्सिडी हो सकती है, मैं तो कहता हूँ कि आज तक किसी भी सरकार ने उस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, गरीब के बारे में सोचती है। तो कॉटन वेस्ट कारखाने गरीबों के हैं, उन्हें राहत देने का, 2 करोड़ में बिजली की सब्सिडी के लिए 2 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। देखिए, बड़े पैमाने पर काम हुए। अगर आप ये सब देखें तो यहाँ कोई बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं था। हम चाहते हैं कि आने वाली जो बच्चा है, जो आज का नौजवान है, वो कल का हिंदुस्तान है, और कल का हिंदुस्तान सब अच्छा हो सकता है जब आज का नौजवान हम पूरी तरह से तैयार करें। अगला सवाल जो है उसी से ताल्लुक रखता है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का, किसी प्रदेश का जो भविष्य होता है वो बच्चे होते हैं, वो नौजवान तबका होता है, तो आपने अपने क्षेत्र के नौजवान तबकों के लिए क्या काम किया है? देखिए, आप बेहतर है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बड़े पैमाने पर काम किया है। दूसरा है, जहाँ तक क्रीडा के क्षेत्र में बच्चों को हर हालत में हष्ट-पुष्ट रखने के लिए क्रीडा मैदान यानी कि स्टेडियम होना अति आवश्यक है। आप यहाँ से जाइए, यहाँ से ठीक 200 मीटर के राइट में चलने के बाद में आपको एक स्टेडियम बनता नज़र आएगा, जो हम उम्मीद करते हैं हमारे नस्लें, हमारे बच्चे उसका लाभ उठाएंगे स्टेडियम का। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं हूँ अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में, कहीं मत जाइएगा, बस हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। आपके जिले का नाम अमरोहा अभी है, इससे पहले आपके जिले का नाम जेपी नगर के नाम से जाना जाता था, तो क्या सोचकर आपने जेपी नगर का नाम बदलवाकर अमरोहा कर दिया? अमरोहा एक हिस्टोरिकल नाम है, ऐतिहासिक नाम है। अमरोहा के आवाम के कहीं जिस्मानी ऐसा लगता है कि जैसे सीधा सीधा उसकी जिस्म से ताल्लुक है, उसके दिल से ताल्लुक है उस नाम का, अमरोहा का। पिछली गवर्नमेंटों ने कहीं उसी नाम को छीन लिया। ज्योतिबा फुले एक महापुरुष हैं, लेकिन अमरोहा या प्रदेश से उनका ज़्यादा कोई ऐसा वास्ता नहीं रहा। हम भी अदब करते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर ज़्यादा बेहतर रहता कि जिस प्रदेश के वो रहने वाले हैं उनका नाम वहीं रोशन होता और फिर हमारी तरफ भेजा जाता, तो हम अदब से इज्जत करते। लेकिन अमरोहा यानी कि अमन प्रस्तों की बस्ती, औलिया इकराम की बस्ती, आम और रहू की बस्ती, उसी के आधार पर नाम पड़ा, उस नाम को चेंज कर दिया। इसलिए मानव मुकुंती से अनुरोध करने के बाद में जेपी नगर से पुनः अमरोहा हमने कर दिया। आप अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत बड़े चेहरा माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी जो 2012 में सत्ता में आई, उसमें एक सर्वे में ये दिखाया गया कि 45% वोट जो है मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिला था, लेकिन आजकल जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं वो जो समुदाय है वो समाजवादी पार्टी से छिटकता जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, पिछले वक्त में पार्लियामेंट का चुनाव था, और अगर इसी की बात कर ली जाए तो यहाँ अल्पसंख्यक की बात आपने की, अल्पसंख्यक प्रतिशत में यहाँ के अपेक्षा और बराबर के क्षेत्रों में ज़्यादा है, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण जो आपने किया उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं MLA बना था, 22,000 वोट पाए थे, लेकिन उसी पार्लियामेंट के चुनाव में जिसमें एक फैक्टर चल रहा था किसी व्यक्ति के नाम का, उस चुनाव में मुझे 60,000 वोट मिले थे मेरी विधानसभा से, और 22,000 से मैं जीता था। और उसी पार्लियामेंट में मैं अपने क्षेत्र से 47,000 से चुनाव जीता और 1,03,000 वोट मुझे मिले। कहाँ खिसक रहा है, ये तो इसी से आइडिया लगा लीजिए। तो ये आपके क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन हम पूरे प्रदेश की यहाँ बात कर रहे हैं। पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक खड़ा है, और कहीं गुमराह करने की हमेशा दूसरी पार्टियों ने कोशिश की है, ना अल्पसंख्यक गुमराह हुआ है और ना होगा। लेकिन बात कोशिश की हो या अफवाहें हो या अब आप बताएंगे, लेकिन आपके बारे में भी नहीं, ये चर्चा हो रही है कि आप भी 2017 के लिए कोई नया घर तलाश रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरे लिए तो अब नया घर तलाश लिया मैंने, इस घर में आ गया मैं, पुराने घर छोड़ के हाँ आ गया मैं, तो जिस घर में आना था मैं आ गया, जिस घर में आना था इस घर में आया। नया समझ लीजिए, पुराना समझ लीजिए, आ गया। मैं सियासी घर का घर की बात नहीं, सियासी घर मैं जब तक जिंदा हूँ राजनीतिक जीवन में समाजवादी पार्टी के साथ था, हूँ और रहूँगा। एक और आपके बारे में एक बहुत बड़ी कहावत प्रचलित है, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता कितनी सच है कितनी झूठ है, जब हम आ रहे थे कुछ लोगों से बात वहाँ करी, उन्होंने बताया कि अमरोहा क्षेत्र में एक चीज़ कही जाती है कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो एक बार वो ऐसे अपने मूंछ पर हाथ फेर दे तो सामने वाला ये समझ जाता है ये महबूब अली साहब का आदमी है, इसे परेशान मत करिए। क्या सच बात है? ये देखिए, अब मेरे ख्याल से आपने एक नई संवैधानिक व्यवस्था लागू कर दी। अगर कहीं ऐसा है आपके क्षेत्र की जनता नहीं कहा, नहीं, वो लोग जो हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि हाँ यहाँ अब जंगल राज आ गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से समझ लीजिए जो मैं यहाँ रहता हूँ, और वहाँ का आवाम सिर्फ हाथ फेर के अगर अधिकारी के सामने चल जाए, अधिकारी काम कर दे, तो इससे अच्छी सरल सरकार कौन सी हो सकती है, आप बताइए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की जब भी बात होती है सरकार की, तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर आता है। विपक्षी जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, और आपकी छवि एक बहुत ही दबंग नेता की है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए अपने काम को मजबूती से संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर किसी अधिकारी के सामने रखने के लिए अगर वो दमंग कह ले तो मुझे कोई ऐसे नाम मुझे दस कबूल। हमारे साथ यहाँ जनता मौजूद है, खासतौर पर एक जो ये प्रथा और जो एक कहावत यहाँ निकल के आई है इसके बारे में भी जान लेते हैं कितनी सच है कितनी झूठ है, जनता से जानते हैं क्या राय है। यहाँ जो है पब्लिक सुकून में है और किसी का कोई डर नहीं है, प्रशासन का मंत्री जी की वजह से सब सारा मामला बिल्कुल फिट है, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल सच, वो कहावत बिल्कुल सही है। यहाँ किसी को ना खौफ है ना कोई डर है, और निश्चिंत जो है यहाँ लोग रहते हैं अमन सुकून के साथ। कहीं गौर नहीं दिया, ये नेता बनने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। आज अमरोहा के आवाम को ऐसा आदमी मिला हुआ है जिसे हम महबूब अली के नाम से जानते और पहचानते हैं, और महबूब अली वो शख्सियत है जिसके दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। जनाब महबूब अली साहब का जो इन्हीं कहते हैं लोग, वो सिर्फ मुखालिफ हैं, अलग अलग प्रचार करते हैं। इनका काम करने का तरीका सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जनता में रहते हैं। महबूब अली सर्व समाज की बात करते हैं और कभी किसी जाति विशेष का मतलब वो नहीं करते, सर्व समाज का काम करते हैं। हमेशा इनके दरबार खुले रहते हैं और इनके कराया हुआ विकास अगर आपको देखना है तो इंटीरियर क्षेत्र में जाइए, आप देहात में ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, वहाँ सड़कें देखिए, कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण देखिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरे हुए वादे अब हैं नए इरादे, इसका क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में जितने वादे हमने किए थे वो 100% पूरे हो गए। कहीं एक वादा जैसा हमने कहा था कि हम अल्पसंख्यक को भी आरक्षण देंगे, इंतज़ार करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नेताजी विपन्ना गंभीर हैं और जल्दी उसमें भी अच्छी खबर मिलेगी। इसमें आपने वादा किया था आरक्षण देने का वादा किया था, बेकसूर मुसलमानों की रिहाई का वादा था, जो दंगों में जिन फर्जी आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया, हमने उसकी परवाह नहीं करी। हमने जिस वक्त पिछले वक्त छोड़े थे कुछ लोग, तो देश के बहुत से ऐसे नेताओं ने जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं उन्होंने कहा था कि हाँ कुछ ऐसे लोग दागिल हैं उन्हें छोड़ दिए, हमने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन बेगुनाहों को हमने छोड़ने का काम किया था और करते रहे। लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि जिन लोगों को फर्जी आतंकवादी बताकर जेल में डालने का काम किया गया है, जो वो लोग रिहा भी हुए हैं उनके पुनर्वास की योजना करी जाएगी, उन्हें दोबारा से स्थापित किया जाएगा, उसके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं, जहाँ ऐसी चीज़ों पर काम चल रहा है, मुझे कोई आपके सामने ऐसी चीज़ सामने आए तो आप बताइएगा। वो स्थापित है ऐसा नहीं है, पुनर्वास की बात नहीं, वो पूर्व में स्थापित है। जो आरक्षण वाली बात थी वो कहीं ना कहीं भी समाजवादी पार्टी करने का सोच रही है, क्योंकि जब चुनाव थे ये कहा गया था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का काम किया जाएगा, क्या हुआ उस वादे का? जैसे मैंने कहा आपसे कि आप इंतज़ार करिए, आदरणीय नेताजी आदरणीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है और उस पर ही भी अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। अभी आपने फिरका परस्त ताकतों की बात करी है, ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि 2017 के चुनावों से पहले कुछ लोग जिस तरीके से 2014 चुनावों से पहले दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर का किस्सा हुआ था, इसी तरीके से 2017 के चुनावों से पहले भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, आपके क्षेत्र में इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो, इसके लिए आपने क्या प्लानिंग करी है? देखिए पहली बात तो फितरत करने वाला अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, और समाजवादी पार्टी की पूरी हिस्ट्री मैं तो कहूँगा वहाँ से उठा लीजिए। जब एक बार हम आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे और हमने संविधान की रक्षा की थी, दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं की, आज भी हम किसी भी ऐसी कोई कहीं कोई सोचेगा तो उसका सख्ती से कानून के दायरे में कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी। सरकार और समाजवादी पार्टी के लोग अमन परस्त हैं और थे और रहेंगे, और सांप्रदायिक लोगों को संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार। ये भी कहा जाता है कि जितने दंगे इस सरकार में हुए हैं किसी सरकार में इतने दंगे नहीं हुए, क्योंकि दूसरे लोगों को ये मौका मिल जाता ना। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट जब होती है असली लोकतंत्र व्यवस्थित होता उस वक्त जी। तो दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे जो सांप्रदायिक रोटियां सेक कर कुर्सियां हासिल कर चुके हैं उन लोगों को मौका मिल जाता है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी सरकार अब बख्शेगी नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। 2017 के चुनाव आपके सामने हैं, किस पार्टी से समाजवादी पार्टी अपना चुनाव मानती है? पहली बात तो हमने काम किया है, हम उसी काम के भरोसे आवाम के बीच में जाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा था कि प्रदेश में लाइन ऑर्डर, देखिए लाइन ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है, बीजेपी की 3 गवर्नमेंटों को उठा कर देख लीजिए, उनसे सबसे अच्छा हमारा लाइन ऑर्डर है। इसके बावजूद भी काम के आधार पर हम विकास किया है, हमने उसी के आधार पर आवाम के बीच में जाएंगे। हमें भरोसा नहीं, पूरा यकीन है हम 2/3 बहुमत के साथ पुनः वापस सरकार में आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है बहुत पीछे है,
भारतीय बहुजन समाज पार्टी, पार्टी बहुत पीछे है, लेकिन सर्वे भी कुछ ज्यादा आ गए हैं। जल्दी नहीं है सर्वे, इंतजार करिए, देखते रहिए। और हम उम्मीद करते हैं जब मकान बनता है या कोई चीज़ होती है तो उसमें टूट फूट सी लगती है, लेकिन जब व्यवस्थित होकर रंग हो जाता है तो बहुत अच्छा लगने लगता है। उसका समय है अभी। आपकी बात मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे आगे, लेकिन आप चुनाव किस पार्टी से मानते हैं? नहीं, हमने कहा कि हमारा किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी समाज पर चुनाव, समाज के लिए और समाज को साथ में लेकर चुनाव लड़ती है, लड़ती रहेगी और उसी पर भरोसा करती है। आखिर में आप दूसरे नहीं, दूसरे लोग, एक पार्टी है वो सांप्रदायिक ताकतें और सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सियासत में आना चाहती है, कुर्सी हासिल कर। एक पार्टी है वो जातीयता के आधार पर सरकार में आना चाहती है। हम समाज की बात करते हैं तो हम लड़ाई अपनी किससे मान लें? इसलिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम पुनः कह रहे हैं कि दो तिहाई बहुमत के आधार पर 2017 के चुनाव में हम पुनः वापस आएंगे। आखिर में आप अपनी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की जनता से, लोगों से कुछ अपील या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा अमरोहा वासियों का, खासकर अपने आवाम का, पूरे प्रदेश वास में हमें चाहने वालों का और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूँ। और हमेशा उम्मीद में करता रहा हूँ कि जब जब भी लड़ाई का वक्त आया है चुनाव का, खुद महबूब बनकर जिंदाबाद की है और दूसरे के लोगों के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश को तोड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सियासत करना चाहते हैं, अमरोहा का आवाम उन्हें जवाब देने के लिए पूरी तरह से हमेशा तैयार रहता है। आगे भी 2017 का जब वक्त आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में अमरोहा के आवाम को महबूब की ज़रूरत नहीं है। हमने इतनी ताकत देने का काम कर दिया है कि वो खुद हमसे लोग करते हैं, हम खुद महबूब बन जाएंगे। और 2017 का चुनाव क्षेत्र में हम अपने आप जीतेंगे। आप प्रदेश देखिएगा, हमसे तो ये कह दिया आवाम ने। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आखिरी में हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो जनता मौजूद है, हमारे विधायक जी को, मंत्री जी को 10 में से अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कितने नंबर देना चाहते हैं? और अगर कोई सवाल हो मंत्री जी से, कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। 10 में 10। मंत्री जी ने जिस हिसाब से अमरोहा विधानसभा में कार्य किया है, हम उनको 10 में से 10 नंबर मंत्री जी को मिलने चाहिए। 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने विधायक हाजी महबूब अली के कामों को लेकर संतोष जाहिर किया है। सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मसले पर कई इलाकों में अच्छा काम हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों के लोग अभी भी विकास की बात जो रहे हैं, इसी वजह से लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दिख रही है। विधानसभा में विकास कार्यों को देखते हुए विधायक हाजी अली महबूब को 10 में से 7 नंबर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर अपने रिपोर्ट कार्ड में विधायक हाजी महबूब अली फर्स्ट डिवीजन पास हुए। ये थे हमारे साथ अमरोहा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक मंत्री महबूब अली साहब, जिन्होंने सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2017 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रही है और वो विकास के नारे के साथ जो काम समाजवादी पार्टी ने 5 सालों में किए हैं, उन कार्यों के साथ जनता के बीच जाने का काम करेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विधानसभा क्षेत्र में एक नए विधायक के रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं मिलूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।